फ्रेंड, आज वीडियो में एक ही वीडियो में तीन चीज दिखाएंगे, एक टूल्स, एक मिट्टी और एक ये सांड गॉड लॉकेट पेंडेंट। तो कैसे बनाएं फ्रेंड, मेरा आर्टेक चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, वैक्स कार्विंग कार्वर जो है, वैक्स एक मटेरियल है, उसका एक टूल्स और एक मिट्टी मैंने एयर ड्राई क्ले जो है ये मैंने मंगाया ऑनलाइन, ठीक है। तो इसका मटेरियल का अलग अलग जो क्वालिटी है इसका बारे में थोड़ा डिटेल आप लोगों को बताएंगे। ये देखिए, एक स्टील का टूल्स है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये 12 पीस टूल्स आप देखिए, बहुत ही नीट एंड क्लीन, काम के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ है। आप मिट्टी का भी काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा करके इसको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर भी ये स्टील है, ज़्यादा ख़राब होने का चांसेस नहीं है, लेकिन इसमें आपका डिटेल काम के लिए ज़रूरी है। मतलब आप बड़ा काम करेंगे, 10 फीट का स्कल्पचर करेंगे तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो आप छोटा छोटा 1 फीट या 4 इंच, 5 इंच, 2 इंच, है ना, जितना छोटा भी स्कल्पचर करें, ये टूल्स बहुत अच्छा है। ये देखिए, दोनों साइड में इसका अलग अलग फॉर्मेशन का आप काम कर सकते हैं। ये देखिए 12 टूल्स, मतलब 24 डिटेलिंग है, डिज़ाइन है, पैटर्न है, ठीक है ना। हम लोग जैसा बेम्बू का हम लोग घर में बनाया, तो ये भी ऑनलाइन में आप परचेस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टूल्स है, तो मैं अभी यूज़ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। आप काम करते करते देखेंगे क्या कौन सा टूल्स आपका फ़ायदा पन ज़्यादा हो रहा है, कौन सा अच्छा हो रहा है, तो ये यूज़ करते करते आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो मेरे को जैसा लगा 12 टूल्स में लगभग 4-5 टूल्स बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही यूनिक लगा, अभी यूज़ करके भी आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए बहुत अच्छा टूल्स है। तो ये वैक्स कार्विंग बोलते हैं, लेकिन आप अच्छा जो मिट्टी मिलता है, अच्छा एयर ड्राई क्ले हो, जो घर का जो वैक्सीन हो, जो भी मिट्टी आप काम कर रहे तो उसका डिटेलिंग जो काम होगा, तो वो काम आप इसी टूल्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, लगभग 3 जो टूल्स हैं मैं अलग कर लिया, ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी मिट्टी का बारे में बताते हैं, ठीक है। ये एयर ड्राई क्ले है, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरी नहीं है, ये नॉर्मल टाइप का ही क्ले है, इसको फायरिंग कर सकते हैं। ये वाइट कलर का है, ये सूखता, मतलब सूख जाता है नॉर्मल क्ले टाइप का। अभी पानी से फिर से गीला करेंगे तो फिर से उसी सिचुएशन में आ जाता है, ठीक है ना। आप काम का हिसाब से, मतलब काम कीजिए और जो एक्स्ट्रा है उसको फिर से पानी में भिगा दीजिए, बस, ठीक है ना। ये देखिए ज़्यादा गीला है, अभी ज़्यादा गीला है, तो इसको क्या करें, अभी थोड़ा पाउडर मिला देता हूँ, वही टलकम पाउडर जो है थोड़ा मिला के थोड़ा हाथ में ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आज एक छोटा सा सन गॉड बोलते जो सन गॉड का जो फॉर्मेशन है उसको बनाएंगे। इसको हम लोग पेंडेंट जो लॉकेट इस टाइप का, मतलब उससे भी यूज कर सकते, लेकिन इसको ध्यान देना पड़ेगा, ये नॉर्मल क्ले जैसा इसको फायरिंग करना पड़ेगा, तब ये परमानेंट होगा। लेकिन इसमें क्या है, आप मॉडल बना रहे हैं, स्कल्पटिंग कर रहे हैं, कुछ मूर्ति बना रहे हैं, तो इसलिए ये मिट्टी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही डिटेलिंग है, मतलब ज़रूरी नहीं है, डिटेलिंग कर सकते आप। बहुत अच्छा मिट्टी मेरे को लगा, लेकिन एक बात है, ये बहुत ही महंगा है। जैसे टूल्स भी लगभग 500 रुपये का आसपास है, ये मिट्टी भी मेरा 500 रुपये का आसपास आ गया। तो मैं जितना मैंने देखा, दिल्ली में भी उस साइड में एक मिट्टी मिलता है, उसको क्या मिट्टी बोलते हैं नाम पता नहीं, क्ले। देखिए मैंने टूल्स में यूज़ कर रहा हूँ, ये टूल्स देखिए, अलग अलग टूल्स का कैसा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ये देखिए आँख
बनाने के लिए कितना आसान हो गया, क्योंकि उसका टूल्स में अंदर से थोड़ा गड्ढा है। ठीक है ना, ये देखिए एक एक टूल्स का कितना आसान यूज है और आसान तरीका से आप बना सकते हैं। ठीक है ना, देखिए टूल्स तो है, टूल्स किसी किसी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाता है, शॉप में नहीं मिलता है, ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं होता है, किसी का पैसा भी थोड़ा ये होता है, लेकिन आप दिमाग थोड़ा शार्प रखिए, दिमाग थोड़ा उसको घिस 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 के दिमाग से निकाल के लेकर आइए तो टूल्स ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन कुछ परसेंटेज आप मानिए, 100% में आपका 30% आप मान के चलिए टूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, अच्छा टूल्स होता है तो थोड़ा काम अच्छा होता है, आसान होता है, ठीक है, डिटेलिंग अच्छा होता है। तो मैं जो बोल रहा था, दिल्ली में बोरी में मिलता है, 50 किलो का बोरी है, जो मिट्टी में मैंने काम किया था, 400-450 रुपया ऐसा आसपास मिलता है, बहुत ही मतलब इससे तो बहुत सस्ता है ना, बहुत ही सस्ता है। तो मेरे को लगता है ये मिट्टी भी सेम टाइप का है, पता नहीं, मैंने ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसको मेरे को और एक दो काम करेंगे तो पता लगेगा, लेकिन ये भी बहुत अच्छा काम के लिए आप लोग यूज़ भी कर सकते हैं। छोटा कोई मूर्ति बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, जिसका पास मिट्टी नहीं मिलता है, कोई गार्डन से उठाता है, कोई कहाँ से उठाता है, तो सैंड रहता है, तो इसलिए आप इस टाइप का मिट्टी मंगा सकते हैं और कुछ डिटेलिंग काम कर सकते हैं। ये सूख भी, मतलब जल्दी सूख भी जाता है, टाइट भी हो जाता है, जैसा चिपकने के लिए मैंने ये देखिए कितना हल्का से लगा रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं अभी दो दिन बाद मैंने देख रहा हूँ, दो दिन नहीं मतलब एक दिन, 24 घंटा में ये सूख जाता है, रखने के लिए बोल रहा है 24 घंटा ये सूख जाता है, तो बहुत ही अच्छा इसका टाइटनेस है, ठीक है, टूटा नहीं, मतलब एक भी ये जो बाहर का तरफ जो पार्ट मैंने लगाया ऐड किया तो एक भी टूटा नहीं, ठीक है। ये देखिए टूल्स का जो अलग अलग यूज़ है, ठीक है ना, तो काम अलग अलग टाइप का जब काम करेंगे तो उसमें क्या होगा, अलग अलग टूल्स का भी ज़रूरी पड़ जाएगा, मतलब आपको कैसे समझाओ, जैसा ये टूल्स ये इस काम के लिए, ये टूल्स इस काम के लिए, ऐसा बोलना भी मुश्किल हो जाता है। आप लोग जब खुद काम करेंगे ना तो लगेगा यार ये डिज़ाइन ऐसा टूल्स होना चाहिए था, तो ये डिज़ाइन आसान हो जाता, तो अपना ये दिमाग से आ जाएगा और ज़रूरी भी होता जाएगा जी, हाँ ये होना चाहिए, ये साथ में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने एक टूल्स दिखाया बैम्बू टूल्स, उस टूल से आप, मैंने तो एक फॉर्म दिखाया, आप अपना हिसाब से जब काम शुरू करेंगे ना तो अपना हिसाब से दिमाग में आएगा कि हाँ शायद ने तो ये दिखाया तो मेरे को ये इस टाइप का होने से अच्छा होता, तो आप अपना हिसाब से बना लीजिए, ठीक है ना। जैसे ये 12 टूल्स है, 12 टूल्स में मैं यूज़ करूँगा तो एक दो यूज़ करूँगा, बाकी सब धीरे धीरे लगेगा क्या हाँ इसको ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, तो क्या होगा धीरे धीरे आपको ज़रूरी का हिसाब से अलग अलग फॉर्म आप चूज़ करेंगे, ठीक है ना। कभी कभी जैसा लोकल मार्केट में मैंने देखा लूज भी मिलता है, लेकिन ऑनलाइन में तो मुश्किल है, कोई आर्ट शॉप जो है वहाँ पे जाके लूज भी मिलता है। तो देखिए कितना अच्छा बन गया, इसका डिटेलिंग भी अच्छा है, इसमें पानी देने का भी कोई ज़रूरी नहीं हुआ, है ना, इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है। अभी लॉकेट के ऊपर जो हैंग करने के लिए ये भी दे देता हूँ, देखिए अभी ये जो सूख जाएगा इसको फायरिंग करना पड़ता है, जैसे टेराकोटा फायरिंग होता है, ये सिरेमिक टाइप का 1200 डिग्री तक ये टेम्परेचर ले सकता है, तो इसको फायर करने के बाद ये एकदम सीमेंट जैसा वो पोर्सेलिन जो सिरेमिक क्ले होता है इस टाइप का ये बन जाएगा, तब ये परमानेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं लिंक दे देता हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिए।